जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के 112 प्रश्न हैं। इसमें से देख लीजिए, आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर का आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें से जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं आप एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। इसलिए इसको आज 112 जो है आपका आज टेस्ट है, और टेस्ट में आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना क्वेश्चन इसमें से आपका सही है। प्लस में और भी आगे मैं बताऊंगा कैसे है क्या है, लेकिन आज आपको 112 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है पूरे लास्ट तक। और ये क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और अपना आंसर चेक करना है, और 112 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन गलत होगा, कितना क्वेश्चन गलत होगा होगा उसमें से उसका नोट कर लीजिएगा और टोटल सही में से उसको कम कर दीजिएगा, टोटल में से 112 में से। और एक मिनट के लिए बस रुकना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी करना कर रहे हैं तो कंप्यूटर का ये जो है ना ई बुक पीडीएफ जो है, ये सारे पीडीएफ है तीनों, ये कंप्यूटर के लिए है, सबसे बेस्ट है आपका, ठीक है, आप ये ले सकते हैं। आर्मी क्लर्क के लिए मॉडल पर है, ये 10 है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके लिए आपको 100 पे करने हैं, इसके 99 और इसके लिए 50 पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट करने के लिए मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लीजिए, या फिर नंबर जो है 9102195290 पर पेमेंट करके मैं आपको ये बुक जो है, तीनों में से कोई भी या तीनों लेना चाहते हैं, मैं आपको बुक व्हाट्सएप कर दूंगा विद इन 5 मिनट। बाद बाकी आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट क्लासेस जो है अभी तक का, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, डिजिटल की बात कर रहा हूँ, ऐसा बेस्ट क्लासेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, शायद नहीं के बराबर में। इसमें कि अभी जो ये सारे वीडियो रिकॉर्डेड हैं, अभी बाद में जब एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा उसमें आपका लाइव क्लासेस भी होगा उसमें, और अभी में सारे रिकॉर्डेड हैं, करीब करीब इसमें 100 पैसेज मिल जाएंगे अभी, और आपको आर्टिकल मिल जाएंगे 150 यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादा ही आपका यहाँ मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन कंसेप्ट बेस का है, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर और PQRS, सिनोनिम एंटोनिम सारे मिल जाएंगे, जो कि आपके आर्मी क्लर्क के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर ये बना दिया गया है। ये सारा वीडियो कोर्स है, आप इसके लिए ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर वन प्लस डिफेंस अकेडमी का। प्लस में जो भी जैसा भी है आप मुझे बता दीजिएगा नंबर पर, ज्वाइन करने के लिए इस पर पेमेंट भी आप कर सकते हैं, इसके लिए फी मात्र 500 का फ़ी है, ठीक है, आपके पूरे कोर्स के लिए। चलो अब आ जाओ, आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का ये ई बुक है, आपको पता ही है, लेने के लिए आप मुझे बता सकते हो, तो आप आ जाओ पहले क्वेश्चन पे एक बार आप, ठीक है, क्योंकि क्लास के लिए थोड़ा लेट भी हो रहा था इसलिए मैं उसका इन्फॉर्मेशन देना छोड़ दिया है। बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना आपको तो आप 9102195290 मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा, कोई भी ई बुक लेने के लिए, क्लास लेने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लीजिए क्या है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, कोशिश ये करिएगा कि इंग्लिश से देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है इंग्लिश में ही है, इसकी हिंदी लैंग्वेज को कहीं कहीं पर हो सकता है बाय मिस्टेक से गलत हो गया होगा, इसलिए कंप्यूटर इंग्लिश में ज़्यादा देखने का कोशिश करिएगा ऑप्शन। तो कंप्यूटर में जो डेटा डाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है, और आपका अगला क्वेश्चन जो है वो भी उम्मीद करता हूँ कि सही ही होगा। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर, तो स्प्रेडशीट में डेटा को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये रोज एंड कॉलम में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आप 4 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, तो मैं आपको बारी बारी से पढ़ के बता रहा हूँ, आपका जहाँ पर जो आंसर हो अपना नोट करके रख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। क्या है, 8 अंकों की बाइनरी संख्या को बाइट कहा जाता है, बीट डिजिटल नंबर के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, 8 अंकों की बाइनरी संख्या को बीट कहा जाता है, या बाइट एक बाइनरी संख्या में से एक अंक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही है बस, क्योंकि 8 अंकों की बाइनरी संख्या को एक बीट कहा जाता है, याद कर लीजिए 8 अंकों की बाइनरी संख्या को एक बीट कहा जाता है, एक बीट कहा जाता है 8 नंबर को कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए 4 ऑप्शन खुद से पढ़िए,
पहला है पेरिफेरल्स, मेमोरी, सीपीयू या स्टोरेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर सीपीयू। अब देख लीजिए, सीपीयू का बहुत सारे बच्चों का इसका फुल फॉर्म पता नहीं होगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे आ जाओ। सिस्टम के में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होता है। सिस्टम के किस में, सिस्टम के कौन से भाग में प्रोग्राम या फिर निर्देश, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, किस में होता है? क्या हार्डवेयर में होता है, आइकन में, इंफॉर्मेशन में या सॉफ्टवेयर में? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होता है, इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरह से आगे बढ़िए और देखते रहिए, क्लास को आज पूरा पूरा लास्ट तक देखना है। और क्लास अच्छा लग रहा है अभी तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब के बिना कुछ हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका सब्सक्राइब ही है जो हम लोगों को इतना आगे पहुँचाता है। आप मुझे इस तरह से ही सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे आ जाइए, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? और कंप्यूटर में आपको कट कॉपी पेस्ट करना है और आपको मेन्यू से निकालना है बिना शॉर्टकट का यूज़ किए हुए, तो किसका यूज़ करेंगे आप, फाइल का, टूल का, स्पेशल का या एडिट का? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, तो अपना आंसर नोट करते रहना आप लोग, ठीक है, और कमेंट करने का टाइम मिले तो कमेंट भी कर दीजिए अगर लाइव देख रहे हैं अभी तो। कंप्यूटर विशेष रूप से किसके साथ काम करके डेटा को सूचना में संसाधित करता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ, किसके साथ मिलकर? देखिए तो ऑप्शन चार दिया गया यहाँ पर, तो देखो डेटा को किस में, इन्फॉर्मेशन में किसको हेल्प से, किसके साथ करके काम करके, तो नंबर्स के साथ काम करके डेटा को सूचना में परिवर्तित किया जाता है, संसाधित बोलें या परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या है, कौन सा कथन गलत है, इसको जरूर देख लीजिएगा। कंसर्निंग टू फाइल नेम के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? यहां पर चार ऑप्शन है, यहां पर देख लीजिए कि आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन फिर से पढ़िए खुद से, और मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। फाइलें एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है लेकिन दोनों नहीं। दूसरा है, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले फाइल नेम के बाद आता है। अगला है, फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, या एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए। यहाँ चारों ऑप्शन को फिर से एक बार आप एनालाइज कर लीजिए, और इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन जो होता है डॉट के क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले फाइल नेम के बाद आता है। मान लीजिए फाइल नेम क्या आता है, पहले फाइल नेम आता है कोई भी, अगर मान लीजिए ABCD फाइल का नाम दे दूँ, उसका डॉट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, एक्सटेंशन आता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आउटलुक एक्सप्रेस है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, क्या ईमेल क्लाइंट है, या कि शेड्यूलर है, ठीक है, या फिर एड्रेस बुक है, या फिर ये सभी हैं? देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑटो एक्सप्रेस क्या है, एक ईमेल क्लाइंट भी है, शेड्यूलर भी है और एड्रेस बुक भी है, तीनों चीज़ है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। अगर बहुत सारे बच्चों को मान लीजिए अगर ये पता है ये पता है, अगर दोनों आंसर कन्फर्म आपका है, ये पता नहीं भी है, तभी आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर दोनों क्या, दोनों में से तो एक ही होगा, दोनों तो होगा नहीं, और दोनों सही है, इसलिए आप ऑल ऑफ दी एव कर देंगे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, किसी वेब पेज का एक संग्रहित लिंक बाद में उस तक त्वरित और आसान पहुंच के लिए इसे क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई आप वेब पर सर्च कर रहे हैं कुछ भी चीज़, कुछ भी कर रहे हैं, उसको मन करता है अभी मैं इसको लिंक बना लूँ, रख लूँ, उसको कैसे रख पाएंगे ताकि बाद में उसको आराम से देख पाएंगे, बिना कोई दिक्कत का, बिना कुछ सोचे बेचारे डायरेक्टली क्लिक करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से जो फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए भी, ऑप्शन आपका सी भी करेक्ट है, क्योंकि देखो इसको बुकमार्क कर लिया जाता है या फिर फेवरेट में
कट दिया जाता है तो क्या हमारा सेव हो जाता है वो पेज का लिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपके किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है यही दिया हो ये नहीं दिया हो, तो आप ऑप्शन नंबर ए ही करना, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ, कौन सा इनपुट डिवाइस एमएस ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑफिस में एमएस ऑफिस में यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉयस्टिक का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बाद में कि एमएस ऑफिस में काम करने के लिए आपको माउस कीबोर्ड स्कैनर का यूज़ करते हैं आप लोग, लेकिन जॉयस्टिक का यूज़ नहीं करते हैं। इसको क्या यूज़ किया जाता है, तो गेम को खेलने में जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, सीपीयू में कार्य क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला रजिस्टर है कौन सा है, सीपीयू के कार्य क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला रजिस्टर कौन सा है। आप चार ऑप्शन में से देख लीजिए आपका आंसर क्या यहाँ पर है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोग्राम काउंटर, अक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, अक्यूमुलेटर आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो कुछ नहीं पता उसको नोट बना के रिविजन जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे है सी बेसिक कोबल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, यानी कि जावा एक लैंग्वेज है, कोबल लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा का, क्या ये लो लेवल कंप्यूटर या हाई लेवल या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग का भाषा है। तो याद कर लीजिए सी बेसिक कोबल और जावा जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है आपका ये सारा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला दिया गया है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर प्रेजेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ मिलाकर उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, लिख लीजिए। इसका आंसर देने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम उसे कहा जाता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को मिलाकर उसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। फिर से आपके सामने दिया गया है, इसे कहा जाता है आंसर में आप नोट कर लीजिए और मैच कर लीजिए अपने आंसर से, क्योंकि आज आपका टेस्ट हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है कंप्यूटर का, किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, खासकर अभी जो आपका सामने एग्जाम जो है आर्मी क्लर्क के लिए या फिर जिस भी एग्जाम के लिए, बैंक के लिए, कुछ भी के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। और सभी क्वेश्चन एक कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टम यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, किस प्रकार के डेटा को सार्थक ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, सूचना, ठीक है। किस प्रकार डेटा को सार्थक ढंग से, डेटा को सार्थक ढंग से प्रस्तुत करने के क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी डेटा किस में बदलता है, इन्फॉर्मेशन में बदलता है, इसको याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कई तरह से आपको पूछा जाएगा डेटा को इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो आगे है, बाइनरी भाषाओं में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक विशेष वर्ण के एक अद्वितीय संयोजन से बने होते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, अब देख लीजिए आपका आंसर क्या यहाँ पर है। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आप खुद से पढ़िए, तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा, 8 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। 8 बिट्स को क्या बाइनरी कहा जाता है ना, बाइनरी वर्णमाला में क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, अक्षर, प्रत्येक अक्षर होता है, संख्या होता है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है। आगे आ जाओ, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग दूसरे कुंजी के संयोजन के में किया जाता है। कोई मान ले स्पेशल मुझे कार्य करना है कंप्यूटर में शॉर्टकट बनाने के लिए, तो हम लोग किस कुंजी का उपयोग करते हैं किसी और कुंजी के साथ, क्या फंक्शन का, कंट्रोल का, एरो का या स्पेस बार का। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है, कंट्रोल कुंजी के साथ कोई और कुंजी का यूज करते हैं कोई स्पेशल कार्य करने के लिए। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों और दस्तावेजों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों और दस्तावेजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या यहाँ पर सिंबल का, लेबल का, आइकन का या फिर ग्राफ का? तो सभी का आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आइकन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी ये आपको पीडीएफ लेना है, आपको इस जो 112 क्वेश्चन का है तो आप यहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर पूरे आप इसका ई बुक लेना चाहते हैं कंप्यूटर का, जिसमें कि करीब करीब 900 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ये मात्र 50 रुपये का मिल जाएगा ये लेने के लिए, या तो इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर जो लिंक दिया गया उससे परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है MICR यानी माइकर भी कहा जाता है उसे, सी का अर्थ क्या है? देखिए MICR में सी का अर्थ क्या है, सी का मतलब क्या है? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, कि कैरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? MICR मतलब क्या होता है? MICR मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। आगे आ जाओ, अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? कई बार आप देखते होंगे ऐसे ऐसे करके दिया रहता है कहीं कोड, उसको क्या कहते हैं? क्या उसे प्राइस कहते हैं, बार कोड कहते हैं, स्कैनर या फिर OCR कहा जाता है? उसे कहा जाता है बार कोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट आंसर फिर से है। आगे आ जाओ, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं, देख लीजिए, सभी सिलिकॉन की बात चल रही है यहाँ पर और ट्रांजिस्टर की एक साथ मिलाने की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर है। तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, IC के बारे में बात करते हैं। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। कई बार आपको IC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाओ, ग्राफिकल चित्रों को किसी वस्तु जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्राफिकल चित्र जो किसी वस्तु को, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर फिर से है क्या, आइकन का। डेस्कटॉप पर क्या होता है, आइकन होता है, जो कि क्या हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, फाइल हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आइकन के से प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है CD-ROM का अर्थ क्या है, यानी CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? देखिए CD का मतलब सभी लोग जानते हैं आप लोग, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पर ROM दिया गया है, CD-ROM, तो यहाँ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, सिमिलर दिया गया है, देखिए कंप्यूटेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग, आगे आ जाओ, आगे देख लीजिए, ISDN का अर्थ क्या है, यानी कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जितने भी सारे फुल फॉर्म हैं आपको याद करना चाहिए, और मैंने कई सारे फुल फॉर्म बता दिया है, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पर आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो यहां पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं आपको, ISDN का। देखिए मैं क्लास करवाते कोई और मैं बात करने लगता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको टाइम देता हूँ ऑप्शन देखने के लिए, मेरी बातों पर ध्यान कम देना, बाद में ऑप्शन सामने में है उस पर ध्यान देना। ठीक है, चलो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को स्टोर करने में मदद करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है हम लोगों का, वो कौन सा भाग है यहाँ पर है? क्या कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव है, प्रिंटर है या मॉनिटर है? तो यहाँ पर सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, डिस्क ड्राइव हम लोगों को क्या कहता है, सूचनाओं को स्टोर करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आए क्वेश्चन आ जाओ, एक में ऐसे कमांड होते हैं
जिन्हें चुना जा सकता है। देखो किस में, मेन्यू में, पॉइंटर में, आइकन में या बटन में, किस में होता है, कमांड्स होता है जिसको हम लोग चूज करते हैं कोई काम करने के लिए। तो मेन्यू में क्या होता है, मेन्यू में क्या होता है, कमांड होता है, MENU। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेन्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। GUI का अर्थ क्या है, यानी कि GUI का फुल फॉर्म क्या है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर GUI का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, जो क्वेश्चन पता नहीं हो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में इसको नोट करके बनाना आप लोग। ठीक है, आगे आ जाओ। कंप्यूटर मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है। मापना और गुना यानी कि मेजरिंग और काउंटिंग करने के लिए जो कंप्यूटर है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, कंप्यूटर के तीन प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। किसके लिए माना जाता है, मेजरिंग करने के लिए और काउंटिंग दोनों करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने में है कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पर आधारित है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो भी कंप्यूटर है वो किस पर बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए पहला जनरेशन कंप्यूटर क्या वैक्यूम ट्यूब पर था, अगला जनरेशन ट्रांजिस्टर पर जो भी था, अलग अलग उसका आधारित था, लेकिन कंप्यूटर का जो फिफ्थ जनरेशन है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देकर बनाया गया है। कंप्यूटराइजेशन किस पर आधारित है, कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन है कि पांचवा जनरेशन किस पर है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये है। बाद बाकी इसका जनरेशन जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है। आगे आ जाओ, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा जिसे कोई छू सकता है और महसूस कर सकता है। कंप्यूटर का उस भाग को जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर क्या कहा जाता है, जिसको हम लोग नहीं छूते हैं, नहीं छू सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। आगे आ जाओ, निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को यह बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाता है। कंप्यूटर निर्देशों की एस श्रृंखला, निर्देश इंस्ट्रक्शन, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। प्रोग्राम क्या होता है, ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देशों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या क्या उसे करने हैं। आगे आ जाओ, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है, तो आउटपुट डिवाइस प्रदर्शित करता है, तो आउटपुट डिवाइस में से कौन सा, तो ये होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है वो किए गए कार्यों को हम लोगों को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं किस पर आधारित है। देखिए मैंने क्या पढ़ा, फिफ्थ वाला में क्या होता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, लेकिन फोर्थ जनरेशन जो है किस पर है, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने बी बदले में ए लिख दिया, बी, LSI। अब बहुत सारे बच्चों को क्या पता होगा, LSI डायरेक्टली याद करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए LSI का। अगर पता है तो डायरेक्टली कमेंट करिए, नहीं तो मैं इसका LSI का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, INTEGRATION, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे है, निम्नलिखित में से कौन अधिक डेटा संग्रहित करता है, कौन सा डेटा सबसे अधिक संग्रहित करता है, सबसे डेटा कौन स्टोर कर सकता है इसके चारों में से, क्या DVD, CD-ROM या फिर CD-Write-Read या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DVD। DVD सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। अब कई बार आपको DVD का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन DVD का आप फुल फॉर्म भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल, VERSATILE
DIL वर्सटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, DVD का फुल फॉर्म। क्लियर है? आप एग्जाम ये भी पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे आ जाओ। एक बाइट किसके बराबर होता है? एक बाइट जो होता है किसके बराबर होता है? क्या 64 बीट, 16 बीट, 32 बीट या फिर 8 बीट होता है? क्या होता है? एक बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर में होता है। देखिए, आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग फॉर्म में आ गया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, 8 आप नंबर के बारे में बात किए थे, 8 बिट किस बराबर में होता है? 1 बाइट के बराबर में होता है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे है सबसे छोटा मेमोरी साइज चुने। इसमें सबसे छोटा जो साइज में है उसको क्या कह सकते हैं? क्या टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या किलोबाइट? तो सबसे छोटा जो यहाँ पर है KB है। क्या है? KB है। देखिए, 1024 KB बराबर में क्या होता है? 1 MB होता है। क्या होता है? 1 MB होता है, मेगाबाइट होता है। अब 1024 MB बराबर में क्या होता है? 1 GB होता है। और 1024 GB बराबर में क्या होता है? 1 TB होता है, टेराबाइट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे दिया गया है डेटा को संसाधित करने के लिए आवश्यक कदम और कार्य, जैसे प्रश्नों के उत्तर या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है? देखिए, इसको इंग्लिश में देख लीजिए। द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन, क्या कहा जाता है उसे? क्या उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम यूनिट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंप्यूटर कैसे करना है, क्या करना है, आंसर देना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बताता है। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे आ जाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका एक सामान्य प्रकार है? क्या एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का, या सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे कॉमन भाग है, कॉमन टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक कह सकते हैं कॉमन नेम है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे है। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, प्लेटफॉर्म कहा जाता है, मदरबोर्ड, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है? क्या कहा जाता है, देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है। और OS क्या होता है? OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है और एक ऐसा संसाधन प्रस्तुत करता है जिसमें हम लोग जो यानी उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर OS नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? यहाँ दिया गया है, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भाग है या ये है एक हिस्सा है? देखिए, तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, इसको क्या कहा जाता है? इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो हम लोगों को काम करने में हेल्प करता है, यानी यूज़र में को हेल्प करता है, उसे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे आ जाओ। आगे दिया गया है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। किस नंबर का नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? तो यहाँ कंप्यूटर डेटा को स्टोर और गणना करने के लिए बाइनरी नंबर का प्रयोग करता है। किसका नंबर यूज करता है? बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए किया जाता है? कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है संपूर्ण दस्तावेजों को सेलेक्ट करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, CTRL। ए क्या होता है? शॉर्टकट की है। ठीक है, आगे आ जाओ। एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रसंस्करण, यानी दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेस करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, या मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी एक बार में एक से अधिक प्रोग्रामों पर काम जो करते हैं हम लोग, उसे क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक
प्रोसेसर के द्वारा, यानी दो या दो से अधिक प्रोसेसर के प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे आ जाओ। इंटरनेट पर कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इंटरनेट से कोई भी चीज़ हम लोग अपने कंप्यूटर में जब लाते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे JPEG कहा जाता है, या अपकमिंग, या फिर FTTP कहा जाता है, या डाउनलोडिंग कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको, अब देख लीजिए आपका आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डाउनलोडिंग कहा जाता है। हम लोग किसी कोई भी चीज़ इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में अपने फ़ोन में लाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे है आपको एक ब्राउजर विंडो में एक साथ कई वेब पेज खुले रखने में सक्षम बनाता है। कौन सा है जो एक ब्राउजर में हम लोग कई सारा पेज खोल कर रखते हैं, वो कौन सा? क्या ये पॉपअप हेल्पर, या फिर टैब बॉक्स, या एड्रेस बार, या टैब रॉ? तो ये टैब रॉ हम लोगों को हेल्प करता है किसमें, कई सारा वेब पेजों को ओपन करने के लिए। ठीक है, टैब रॉ नहीं रहेगा तो हम लोग कई सारे पेज को नहीं देख पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसलिए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। मोबाइल कॉमर्स को सबसे अच्छा इस रूप में वर्णित किया जा सकता है। मोबाइल कॉमर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं एक अलग भाषा में, अलग तरीके से क्या कह सकते हैं? क्या मार्केटिंग में नोटबुक PC का उपयोग करना को मोबाइल कॉमर्स कहते हैं, या मार्केटिंग में कियोस्क का उपयोग करना मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है, या वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से सामान सेवाएं खरीदना या बेचना को मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है, या परिवहन उत्पादों को मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है? तो सबसे आपका आंसर यहाँ जो बेस्ट लगेगा आंसर देने में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस को माध्यम से सेवाएं को खरीदना और बेचना। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। एक्सेल में उपयोगकर्ताओं को उन कार्य पुस्तकों की प्रतियां एक साथ लाने की अनुमति देता है जिन पर अन्य उपयोगकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से काम किया है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे मर्जिंग, कंपाइलिंग, या फिर कॉपीइंग, या पेस्ट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मर्जिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज तक पहुँचने के लिए किसी माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी फाइल है, उसके प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं, शिफ्ट क्लिक करते हैं, या ड्रैगिंग, या फिर राइट क्लिकिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने कंप्यूटर का भी यूज़ करा होगा तो आपने ज़रूर करा होगा राइट क्लिकिंग, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। चयनित टेक्स्ट को सभी बड़े अक्षरों में बदलने के लिए केस बदलें बटन पर क्लिक करें, फिर क्लिक करते हैं। यानी मान लिया जाए कोई लेटर हमारा, अगर स्मॉल लेटर में लिखा है, सभी क्या है ये लेटर, LETERS, अगर सभी लेटर्स क्या स्मॉल लेटर में है, अगर इसमें हमको कैपिटल लेटर बनाना है, क्या बनाना है, कैपिटल लेटर बनाना है, तो हम लोग क्या दबाएंगे हम लोग, तो हम लोग दबाएंगे उसको क्या, अपर, या फिर अपर केस, या फिर अपर ऑल, अपर कैप्स लॉक, या फिर लार्ज साइज। क्वेश्चन देने में मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए अपर केस, बहुत सारे बच्चे कैप्स लॉक कर देंगे, कैप्स लॉक दबा के कोई भी नंबर दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में लिखाता है, मानता हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको अपर केस बनाना है, बड़ा बनाना है, तो हम लोग अपर केस का बटन चूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। आप अपनी व्यक्तिगत फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। अपना फाइल जो है, हमारा फोल्डर जो है, किस में रख सकते हैं? क्या माई टेक्स्ट में, माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, या फिर माई फाइल्स में? तो यहाँ पर आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माई डॉक्यूमेंट में भी हम लोग क्या रख सकते हैं, अपनी पर्सनल फाइलों को रख सकते हैं, फोल्डर को रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाद में की एक अलग से इन्फॉर्मेशन फिर से मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्लास में इतना ज़्यादा खो गए हैं आप लोग, तो तभी मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ बताने के लिए। आप ऐसे ही क्लास चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। बाद में की इसका ई बुक दिया गया है लिंक, वो भी आप ले लेना आप लोग। अगर आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो इसका दिया गया है मॉडल पेपर का, GK मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, तो वो ले सकते हैं। बाद में की आप क्लास भी, आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा 1+ डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर। और भी कोई क्वेरी है तो इस पर मुझे जरूर आप व्हाट्सएप जरूर कर देना। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे दिया गया है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है,
कौन सा है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा है? क्या उबंटू लिनक्स, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज विस्टा, या फिर यूनिक्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उबंटू लिनक्स, विंडोज विस्टा और यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर? करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है? भारतीय वैज्ञानिकों ने किस सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है? क्या परम को, मीरा को, या सिक्योया को, या फिर जगुआर को? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर? करेक्ट हो जाएगा, भारतीय वैज्ञानिकों ने परम नाम के सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है, ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि परम को कहाँ पर, कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से स्टेट में इसको ये बनाया गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है, इंटरनेट में www का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि www का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि www के आविष्कारक कौन है, आविष्कारक कौन है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। टीम, वैसे बहुत सारे बताया है आपको होगा, बर्नर्स, ठीक है, ली, ये क्या है? टीम बर्नर्स ली क्या है? www के आविष्कारक हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि गूगल के फाउंडर कौन है, आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं गूगल के फाउंडर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, गूगल, अब गूगल वाला क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने में। गूगल क्या है? क्या एक सर्च इंजन है, वायरस प्रोग्राम है, हार्डवेयर है, या वेबसाइट है? तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर? करेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाओ, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है। ब्लूटूथ तकनीक किस चीज़ में हम लोगों को अलाउ करता है, अनुमति देता है? क्या सेटेलाइट टेलीविजन संचार के लिए, केवल मोबाइल फ़ोन पर सिंगल ट्रांसमिशन के लिए, या फिर लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन संचार के लिए, या उपकरणों के बीच वायरलेस संचार के लिए? किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार के लिए ब्लूटूथ तकनीक का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, तभी जान पाओगे कि आप कितने कर पाते हो इस क्वेश्चन में, आप एग्जाम में कितना कर पाओगे, ठीक है। 10 से 24 बाइट बराबर होता है, देखिए 10 से 24 बाइट किसके बराबर में होता है, 10 से 24 बाइट किसके बराबर में होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 KB के बराबर में। क्या होता है? 1 KB के बराबर में होता है, 1 KB। और 10 से 24 KB जो होता है, 1 MB के बराबर में होता है। और 10 से 24 MB किसके बराबर में होता है? 1 GB के बराबर में होता है। और 10 से 24 GB किसके बराबर में होता है? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, 10 से 24 GB बराबर में क्या होता है। आगे आ जाओ, प्रोसेसिंग गति की तुलना से जुड़ा एक शब्द कौन सा है? देखिए प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड की जब बात करते हैं, तो कौन सा इसमें से जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पर देखिए, स्पीड की बात करता हूँ तो MIPS की बात करता हूँ, और भी अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन स्पीड के बारे में MIPS के बारे में बात किया जाता है। तो MIPS का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है, इसको याद रख लीजिएगा। इसका होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है? पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे है, कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा होता है? कंप्यूटर बूट होने के बाद जो पहला प्रोग्राम चलता है वो कौन सा होता है? क्या वो सिस्टम ऑपरेशन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर आपका 59 का आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्या होता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर OSB से हम लोग कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मत करिएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, मशीनी भाषा के बारे में देख लीजिए क्या क्या कह रहे हैं। पहला देखिए ऑप्शन आपका ये जो है ऑल सभी, ये तो लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन तब भी आप एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिए गए हैं आपको, ठीक है। मशीनी भाषा क्या है? कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली एकमात्र भाषा है। वह भाषा है जिसमें कार्यक्रम पहले लिखे गए थे,
या फिर कार्यक्रम यानी प्रोग्राम पहले जो लिखा गया था मशीन भाषा के हेल्प से, या फिर कंप्यूटर के द्वारा समझा जाने वाला भाषा को हम लोग मशीन भाषा कहते हैं, या एक प्रकार कंप्यूटर से दूसरे में से भिन्न होता है। ये जो मशीन भाषा क्या करता है, एक कंप्यूटर को दूसरे से अलग करता है। ये तीनों पॉइंट जो है बिल्कुल सही है मशीनी लैंग्वेज के बारे में, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाने वाला व्यक्ति कौन था? मैकेनिकल कैलकुलेटर, क्वेश्चन देख लीजिए, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, अब देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जब भी टाइम मिलता है क्वेश्चन के बाद, आप लोग क्वेश्चन पर ऑप्शन पर फोकस करिएगा। बहुत सारे मैं आंसर जल्दी बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का मैं ऑप्शन बिना पढ़े हुए, इसीलिए आप आंसर जरूर फोकस करना आप लोग। ठीक है, आगे आ जाओ। लैन कार्ड का दूसरा नाम क्या है? देखिए, लैन कार्ड का अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है? क्या मॉडेम है, नेटवर्क कनेक्टर है, NIC है, या इंटरनेट कार्ड है, क्या है? तो देखिए, लैन कार्ड को NIC भी कहा जाता है। देखिए, NIC एक इंस्टीट्यूट भी है, उसको मतलब आप ध्यान रखिएगा। NIC अलग चीज़ है जिसका कि फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इसका नोट कर लीजिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। क्या आता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। क्या? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कहा जाता है। लैन कार्ड का दूसरा नाम इसका ये है। आगे आ जाओ। CPU का अर्थ है, यानी CPU का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका फुल फॉर्म पूछा था, अब यहाँ मैच कर लीजिए। और CPU का फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। UPS का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, बच्चे को पता होता है CPU का क्या फुल फॉर्म होता है, IC क्या होता है, ALU का क्या होता है, HTTP क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो भी मैंने बता दिया है ई बुक, उसमें सभी चीज़ दिए गए हैं और आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको, पेमेंट करना है इस नंबर पर या जो लिंक दिया गया उससे कर लेना आप लोग। तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। आगे आ जाओ। कंप्यूटर के सभी भागों में शक्ति भेजता है, यानी पावर भेजता है, वो क्या भेजता है? क्या रैम, वीडियो कार्ड, या फिर फैन, या फिर पावर बॉक्स? तो पावर बॉक्स क्या हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, पावर बॉक्स। ठीक है, आगे आ जाओ। प्राइमरी कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट है। देखिए, प्राइमरी कंप्यूटर के स्टोरेज जो है, प्राइमरी स्टोरेज किसे कहा जाता है? क्या हार्ड ड्राइव को, रैम को, सॉफ्ट ड्राइव को, या फिर मीडियम ड्राइव को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हार्ड ड्राइव को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है हार्ड ड्राइव को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। अगला दिया गया क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए कौन से नंबर का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, इसका मतलब आप क्लास पर फोकस कर रहे हैं पूरा, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन लिख के करना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्लास पर ध्यान दिए होंगे तो पता हो जाएगा। तो आपका मैं कमेंट का वेट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 67 का। आगे आ जाओ। क्या व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत साबित करके आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या करता है? वो आपके बारे में, आपकी पहचान को इंटरनेट पर पता करने के लिए फिशिंग किया जाता है। कुछ आपको लिंक भेजेगा, कुछ पॉपअप मेन्यू भेजेगा, उस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसको और आपका जानकारी उसको मिल जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। एक वेबसाइटों के मुख्य पेजों को उसका कहा जाता है, यानी कि वेबसाइट के मुख्य पेज जो होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको बुकमार्क कहा जाता है, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, या फिर होम पेज? तो यहाँ पर सभी का आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। ये तो पता होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन है, मत समझिएगा, नहीं पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ लिए गए हाल ही में। ठीक है, और दोबारा भी पूछ सकता है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, MS Word शॉर्टकट में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग MS Word में? देखिए, शिफ्ट डिलीट प्रयोग करने से क्या होता है? क्या चयनित आइटम, यानी कि सिलेक्ट आइटम, क्या उसका नाम बदलने के लिए, या फिर कॉपी
करने के लिए या फिर डिलीट दिस सिलेक्टेड आइटम, यानी कि उस आइटम को डिलीट करने के लिए बिना रिसाइकल बिन में भेजे हुए। कोई भी आइटम को हम लोग डिलीट करते हैं तो क्या होता है, डिलीट करके रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डिलीट करके यूज़ करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिना रिसाइकल बिन पे जाए हुए ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा आपके कंप्यूटर से, फिर उसको दोबारा कभी आप नहीं ला सकते हैं। आगे आ जाओ एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आई, यानी कि इस कंट्रोल प्लस में आई को दबाएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या टेक्स्ट के लिए इटैलिक शैली चालू हो जाएगा या ओपन डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर उस वेब एड्रेस के साथ ब्राउजर का एक और उदाहरण प्रारंभ हो जाएगा, या फिर ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, या फिर जैसे कि कंट्रोल एल दबा करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंट्रोल आई दबाते हैं तो टेक्स्ट क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, इटैलिक मोड में चला जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ जाओ एमएस वर्ड में कंट्रोल पी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, आपको मैंने यूट्यूब पर बता दिया था, तो यहाँ ने बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, यानी लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है। कंट्रोल पी से क्या है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका आप लोग प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसके बाद दबाने देते हैं, उसके बाद ओके दबाते हैं तो प्रिंट होने लगता है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। आगे आ जाओ एमएस वर्ड में कुछ कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कमांड, अगर हम लोगों को एमएस वर्ड में कुछ कॉपी करना है तो उसके लिए कमांड कौन सा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल सी का। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट करने के लिए, कंट्रोल वी से पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसका क्या कॉपी, यह है पेस्ट और यहाँ पर है ये कट, ठीक है, कंट्रोल एक्स। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन दिया गया है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट का उपयोग किसी भी तीर के साथ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल को दबाएंगे फिर शिफ्ट को दबाएंगे, उसके बाद चार एरो जो होता है उसको दबाने से क्या होता है, उसको दबाने से क्या होता है, टेक्स्ट के एक ब्लॉक हाईलाइट हो जाता है। मान लीजिए अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जो भी मान लीजिए यहाँ रख के कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट और कोई भी एरो दबाएंगे, इधर का एरो दबाएंगे तो पूरा सिलेक्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, नीचे का एरो दबाएंगे तो पूरा पेज लाइन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, टेक्स्ट के एक ब्लॉक को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग एरो की का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, याद कर लीजिएगा ज़रूर आप लोग। आगे आ जाइए एमएस वर्ड कमांड में कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या एमएस वर्ड में किससे करने के लिए, तो ये कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, आपके पहले से है कंप्यूटर में उसको ओपन करने के लिए क्या कंट्रोल ओ का दबाते हैं, यानी कि एक मौजूदा फाइल को खोलने के लिए, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ एमएस एक्सेल में सभी सूत्र को चिन्ह से शुरू के होना चाहिए, एमएस एक्सेल का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग, तो किस चीज़ से हम लोग फार्मूला को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, बराबर के चिन्ह से स्टार्ट करते हैं। आगे आ जाओ एमएस वर्ड एमएस एक्सेल 2003 में फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस एक्सेल 2003 में, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XLS, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्सेल के फाइल हैं उसमें एक्सटेंशन क्या लेकर आता है, XLXX आता है लग के, और 2003 तक में एमएस वर्ड में कौन सा लगता था एक्सटेंशन, तो यहाँ पर .doc लगता था, लेकिन अब 2003 के बाद कौन सा लग रहा है, .docx लग रहा है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट की एक लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन से बटन का हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर्सर अभी है, अगर हम मुझे यहाँ पहुँचना है मुझे तो कौन से बटन को दबाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, होम बटन को दबाएंगे तो हम लोग स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हैं, कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन सा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और आप आंसर बता दीजिएगा, तब तो मैं थोड़ा सा दूसरा बात कर लेता हूँ, तब तो आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके सामने में है सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में आपको बराबर हेल्प करने वाला है। और क्लास अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक ज़रूर करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल पर पहली बार आप होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है बस आपके लिए, तो आप लोगों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोगों के पास होना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोगों को,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर के चार मेन कार्य है, चार मेन वर्क है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन आपके कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है, कौन सा जो है इसमें से जो मेमोरी को बताता है, क्या रैम, DSL, USB या फिर LAN। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रैम हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। आप मुझे DSL, USB और LAN का मुझे कमेंट में आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसका कमेंट मैं पिन कर सकता हूँ, आप कमेंट जरूर देखेंगे सभी लोग। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है, कौन सा है जो कनेक्टिविटी का उदाहरण है जिससे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, क्या है, पावर कॉर्ड के थ्रू, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या डाटा के थ्रू। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंटरनेट क्या है, कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है। आगे आ जाओ, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर, क्या लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कैसा है, कैसा है, क्या ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का है या विंडोज का है या मैक का है। तो ये है आपका ओपन सोर्स ओएस है, ये ओपन सोर्स ओएस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, हम वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करते हुए एक्सेस करते हैं, क्या एक्सेस करते हैं, हम लोग www का यूज़ क्या यूज़ करने के लिए कहते हैं, क्या सर्च इंजन के लिए, या इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए, किसी को मैसेज करने के लिए, या हाई बैंडविड्थ के लिए, या ब्राउज़र के लिए। तो ब्राउज़र में जब भी हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए, टाइप करने के लिए, एड्रेस टाइप करने के लिए, हम लोग ब्राउज़र में हम लोग यूज़ करते हैं www का, ठीक है। ये एक्सेस करने के लिए हमको ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ता है हम लोग, ऑप्शन नंबर, इसलिए डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करना चाहते हैं तो आपको इसे नेटवर्क पर स्थापित करना होगा, क्या नोड पर, मोडेम पर, राउटर पर या केबल पर, बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन नंबर सी, राउटर का यूज़ करना होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, आगे है, द इंस्ट्रक्शंस दैट टेलर्स कंप्यूटर हाउ टू कैरी और द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को प्रोसेसिंग कार्यों को करने का तरीका बताने वाला निर्देशों को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, क्या उसे मेमोरी मॉड्यूल कहा जाता है, प्रोसेसर कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रोग्राम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट। आगे आ जाओ, Which of the following is not a language for computer programming? इनमें से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भाषा के रूप में नहीं है, कौन सा इसमें से जो है भाषा नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। यहाँ के विंडो क्या है, एक भाषा नहीं है, ये क्या है, एक ओएस है, लेकिन बेसिक, पास्कल, कोबल क्या है, एक लैंग्वेज है। यहाँ पर कौन सा है जो भाषा नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। क्वेश्चन को गौर से जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आगे आ जाओ, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के आविष्कारक किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों का आंसर जरूर आना चाहिए कमेंट में, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे बच्चे को पता होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है, अगर जिसको आंसर पता नहीं है कमेंट जरूर देख लेना, कोई बच्चे जरूर कमेंट करेंगे, आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं बताओगा सर्च करके जरूर कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। आगे आ जाओ, ESC की का कार्य क्या है, ESC यानी एस्केप की का, ESC की कहा जाता है, इसका काम क्या है। तो यहाँ पर क्या अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, अंतिम कार्य पर जाने के लिए, या कार्रवाई समाप्त करने के लिए, या कार्रवाई को रोकने के लिए। यहाँ पर कार्रवाई यानी कि कोई भी एक्शन को स्टॉप करने के लिए, देखिए दोनों में सिमिलर है, यहाँ पर एंड द एक्शन, रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए, या स्टॉप करने के लिए, स्टॉप हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोनों में कितना सिमिलरिटी है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए स्टॉप करने के लिए इस ESC का हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड में बटन को। आगे आ जाओ, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स, ये सब क्या है, क्या कंप्यूटर पर प्रभावित होने वाला पता लगाने के लिए असमर्थ होता है, या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है, या कंप्यूटर के अनुकूल अनुप्रयोग होता है, या कंप्यूटर पर निवासी हानिरहित अनुप्रयोग के लिए होता है, क्या होता है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। देखिए माफ कीजिएगा, सी नहीं, यहाँ बी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने वाले सक्षम होता है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स। ऑप्शन नंबर सी बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए MICR क्या होता है, मैंने बता दिया था आपको इसी क्लास में, क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए मैंने गलती कर दिया मैंने यहाँ पर आंसर देने में, ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, क्या होता है? रिकॉग्निशन, यहाँ पर रीडर दे दिया इसलिए आप गलत यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। गूगल क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिएगा क्या है गूगल, क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य यहाँ पर है? यहाँ पर कैश मेमोरी रैम से बड़ी होती है। देखिए ये आपका गलत कह रहा है आपका, क्या है? कैश मेमोरी रैम से छोटी होती है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑल तो नहीं दिया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी क्या होता है? रैम से छोटी मेमोरी होती है। देखिए CACH कैश पढ़ा जाता है इसको, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। देखिए रोम रैम से तेज होता है, गलत बात है ये, रोम में सूचना उपयोगकर्ता द्वारा लिखी जाती है, ये भी गलत चीज़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सूटेबल है और करेक्ट भी है। आगे आ जाओ, एक कीबोर्ड इस प्रकार का उपकरण है। कीबोर्ड कैसा उपकरण है? क्या इनपुट है, ब्लैक है, आउटपुट है या वर्ड प्रोसेसिंग उपकरण है? क्या है? तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? देखिए तो क्या होता है, क्या पर्सनल कंप्यूटर जिसे PC हम लोग कहते हैं, नोटबुक, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। आगे आ जाओ, ANA का मतलब क्या है? देखिए ए, देखिए यहाँ पर ENIAC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर नहीं पता होगा इसको पता करके जरूर रख लीजिएगा कि इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। देखिए कंप्यूटर में ऐसा क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन बनने चाहिए आप एग्जाम में, अगर नहीं बन रहे हैं तो सोच लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, नहीं बनेगा आपको। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी शॉट ले लीजिए इसका आंसर का। ठीक है, आगे आ जाओ, एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया? एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया, किसको डेवलप किया, किसके द्वारा किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 96 आपका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बैबेज के द्वारा। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था? क्या ट्रांजिस्टर का, LSI का, जैसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है वैक्यूम ट्यूब का या VLSI का यूज़ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो बहुत सारे बच्चे जरूर बताएंगे इसका आंसर, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार के गणनाओं के लिए जिम्मेदार है? सभी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए कौन सा, क्या CU जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, रजिस्टर, बस, ठीक है, या फिर ALU? तो ALU को क्या कहा था, सभी गणनाओं के लिए कैलकुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ALU होता है। अब ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट होता है। तो आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा ALU का फुल फॉर्म आपको पता है, और बच्चे देखेंगे तो उसको भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, कंप्यूटर का दिल है और यहीं पर सारी कंप्यूटिंग की जाती है। किसे कंप्यूटर का दिल माना जाता है और कंप्यूटर का सारा काम किया जाता है, या कीबोर्ड में, CPU में, मॉनिटर में या प्रिंटर में? तो सभी का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंसर मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 100 है, पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर क्या बनाया जाता है? क्या नेटवर्क बनाया जाता है, सर्वर बनाया जाता है, सुपर कंप्यूटर या फिर इंटरप्रेस बनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? क्या एंड पर, रिब्यूट पर, या स्टार्ट पर, या फिर रीस्टार्ट पर? तो हेल्प मेन्यू होता है ये स्टार्ट बटन पर मौजूद होता है, START, ठीक है, स्टार्ट बटन पर हेल्प मेन्यू होता है। आगे आ जाओ, जब पॉइंटर को कहाँ पर रखा जाता है, किस पर रखा जाता है? तो हाथ के आकार का चिन्ह बन जाता है। पॉइंटर को जब माउस के कर्सर को हम रखते हैं तो हाथ का आकार बन जाता है, कब? जब ग्रामेटिकल एरर होता है तब, स्पेलिंग एरर होता है तब, स्क्रीन टिप होता है तब, या फिर हाइपरलिंक होता है तब। तो सभी का आंसर यहां पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइपरलिंक पर। जब भी हम लोग कंप्यूटर कर्सर को रखते हैं तो हाथ का निशान बन जाता है, उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहां पर आंसर करेक्ट, ठीक है। और जब भी देखें क्लास को, देखें क्लास को आप डाउनलोड करके मत देखना आप लोग, तब आपको कमेंट करने में दिक्कत होगा, कमेंट नहीं होगा तब आपका, इसलिए क्लास को डायरेक्टली लाइव ही देखना, ठीक है, अपने डेटा पर देखना और कमेंट करते रहना जब भी लगे आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, कौन सी पोर्ट विशेष प्रकार की संगीत वाद्यों वाद्य यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ते हैं? कौन सा पोर्ट? देखिए यहाँ पर चार पोर्ट दिया गया है, चार पोर्ट का अलग अलग यहाँ है, तो यहाँ अलग अलग काम है, तो लेकिन संगीत के लिए जो किया जाता है वो क्या किया जाता है संगीत के लिए? क्वेश्चन नंबर 104 नहीं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 कहाँ पर क्वेश्चन चला गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ मिस्टेक से मैं कन्फ्यूज कर गया था यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका आंसर, मीडी संगीत के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ, कंप्यूटर सिस्टम में OS का मतलब क्या है? OS का फुल फॉर्म क्या है? इसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, रोम का क्या तात्पर्य है? रोम का भी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, आंसर आपको कमेंट करने हैं आपको रोम का फुल फॉर्म, अगर नहीं पता होगा तो सर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, IC चिप्स का प्रयोग किस में किया जाता है? IC जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर IC का जो प्रयोग किया गया था किस में किया गया था? ये किया गया था कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में IC का यूज़ किया गया था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ मिलाकर एक IC बना दिया गया था, उसी का यूज़ करते थे हम लोग, इससे कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया था। आगे आ जाओ, पहली पीढ़ी के किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन बता दिया आपको, यहाँ पर पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि LSI को कौन से जनरेशन में यूज़ किया गया है। आगे आ जाओ, TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को TCP कहा जाता है। आगे आ जाओ, रैम का अर्थ क्या है? रैम का भी मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, आप लोग कमेंट खुद से करेंगे आप लोग, मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करता हूं। अगर पढ़ाई मन लग रहा होगा आपको तो आप कमेंट मुझे जरूर करेंगे, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। आगे आ जाओ, माउस और कीबोर्ड के लिए क्या है? क्या वीडियो कार्ड या माउस और कीबोर्ड इनपुट है, या फिर साउंड कार्ड, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर है इनपुट है, क्या है, एक इनपुट प्लग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, इनपुट प्लग क्या है, एक माउस और कीबोर्ड है। आगे आ जाओ, MS Word 97 से 2003 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? यानी MS Word 97 से लेकर जो 2003 तक का वर्जन है उसमें फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था या क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया था ये DOC होता है, .DOC होता है। इसके बाद जो भी है MS Word के वर्जन उसमें .DOCX आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का और देख लीजिए क्या है, लेटर और पेपर बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? लेटर और पेपर बनाने के लिए कौन से, क्या डाटाबेस का, वर्ड प्रोसेसर का, या वर्क स्प्रेडशीट का, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसका प्रयोग किया जाता है? आप देख लीजिए आपका यहाँ पर आंसर क्या है। देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है।
ठीक है, एमएस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। इस तरह से मैंने 112 क्वेश्चन कराया है, कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गए थे, समझ लीजिए 100 प्लस क्वेश्चन आपका यहाँ पर यूनिक क्वेश्चन था। ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्लास को एक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि आपके लिए जो बेस्ट है आर्मी क्लर्क के लिए मॉडल पेपर, वो ले सकते हैं आप लोग, टेस्ट कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। और ऐसे पेपर आपको शायद ही किसी बुक में मिलेगा आपको, बाद बाकी लिंक मैंने दे ही दिया है, या फिर आपके पास नंबर है 9102195290, ठीक है। बाद बाकी ये सब बुक है कंप्यूटर के लिए, लिंक मैंने डाल दिया है या फिर मैंने बता दिया है, कोई भी हेल्प के लिए नंबर मैंने दे दिया आपको। बाद बाकी मॉडल पेपर है इंग्लिश का भी है, ठीक है, ठीक है, प्रीवियस पेपर है 2020 से पहले आर्मी क्लर्क के लिए। बाद बाकी क्लास तो ज्वाइन कर लीजिए अगर आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं तो। 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है आपके सिलेक्शन के लिए, आपका इससे बढ़िया क्लासेस बहुत शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगा, कहीं भी क्लास कर ले ऐसा क्लासेस नहीं मिलेगा आपको आर्मी क्लर्क के लिए, ये मेरा दावा है। इसलिए 500 रुपये कोई बात नहीं है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सारे वीडियो आप भी मिल जाएंगे एक साथ। बाद में कि जब क्लासेस स्टार्ट होगा आपको और भी क्लासेस मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले सभी से एक बार फिर से जय हिंद। आपके सामने में इंग्लिश का भी एक बुक दिया गया है, इसे भी लिंक से आप परचेज कर सकते हैं, इसका फी जो है 150 है, ठीक है। आप लेने के लिए व्हाट्सएप से भी आप ले सकते हैं, तो रहने दीजिए। अब अगले क्लास में मिलिए हमारे साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, अगले पेपर के साथ, तब तक ले सभी से एक बार जय हिंद।